हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम जो है शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, जो आपका पेपर है अप्रैल में, उसके लिए यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रश्न नंबर एक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान की गणना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसके मान की गणना किसने की थी? आर ए मिलिकन ने की थी। वहीं अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जे जे टॉम्सन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और वहीं बात करें और आवेश का मान आर मिलिकन ने की थी। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, जो है आपके एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न है कि जब विसर्जन नली में निम्न गैस, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जब विसर्जन नली में निम्न गैस भरी जाती है तो एनोड किरणों के लिए E/m का अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा दोस्तों आपका H2। तो क्या अधिकतम क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन, यानी कि एनोड किरणों के लिए E/m का मान अधिकतम H2 प्राप्त होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य कथन है। पहला जो कथन है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश बराबर परंतु विपरीत होते हैं। कितना होता है आवेश? आवेश होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻¹⁹। यह दो है, दोनों पर आवेश सेम होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, दूसरा है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। यह भी सही है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? उदासीन रहते हैं, उसमें कोई भी आवेश नहीं रहता। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। यह कथन आपका गलत है, यानी कि इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है दोस्तों 9.1 × 10⁻³¹ किग्रा। एक इसका है इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर क्या रहता है? प्रोटॉन की बात करें तो इसका जो आवेश रहता है दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान रहता है वो रहता है 1.6 × 10⁻²¹ किग्रा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट करनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोर सिद्धांत के अनुसार निम्न सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला जो है, इलेक्ट्रॉन का वेग समानुपाती 1/n। दूसरा है, यह भी सही है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन पर बल, यह भी सही है। तीसरा है दोस्तों, कक्षा की त्रिज्या, यह जो है इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? बोर सिद्धांत के अनुसार जो कक्षा की त्रिज्या रहती है वो क्या रहती है दोस्तों? त्रिज्या अनुक्रमानुपाती N²/Z, तो ये रहती है इसकी त्रिज्या। ठीक है, बाकी ये भी आपका सही है, एग्जाम में बन सकता है, यह भी बन सकता है, और जो त्रिज्या है वो आपको यह नोट करनी है। अब प्रश्न नंबर 5 है, 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कक्षक का कोणीय संवेग है। तो कितना होता है 2s इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? शून्य, ए, सी या डी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें s ऑर्बिटल के लिए जो है, s ऑर्बिटल के लिए जो है l बराबर कितना होता है? l बराबर होता है दोस्तों 0। और कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? इसका कक्षक का कोणीय संवेग ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका बराबर होता है l अंडर रूट, ये होता है दोस्तों रूट l इन एल ब्रैकेट एल प्लस 1H/2π। ये होता है कक्षक का कोणीय संवेग, एल अंडर रूट एल कोष्टक एल प्लस 1, फिर कोष्टक बंद ब्रैकेट बंद, फिर H/2π। ये होता है कक्षक का कोणीय संवेग, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है एल, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एल यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, एल यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी एल प्लस 1 0, तो H/2π। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, जब सब 0 है तो इसका जो एस ऑर्बिटल के लिए क्या रहेगा, कोणीय संवेग क्या रहेगा दोस्तों? 0, यानी कि 0 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि बोर का सिद्धांत का प्रयोग करता है किसके लिए प्रयोग करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिथियम 2+। जो बोर का सिद्धांत है दोस्तों वह जो है बोर का सिद्धांत प्रयोग करता है, तो क्या प्रयोग करता है, L+2 इसका राइट आंसर होगा। जो बोर का सिद्धांत है दोस्तों वह जो है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु वाले परमाणु या आयन के लिए दोस्तों यह उपयोगी है। किसका परमाणु मॉडल, आपका बोर का परमाणु मॉडल। तो अगला है, प्रकाश के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, प्रश्न नंबर 7 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या हो जाएगा, इसे जो है निम्न सूत्र द्वारा जो है इसकी गणना कर सकते हैं। किस सूत्र द्वारा, निम्न सूत्र द्वारा कर सकते हैं, यानी कि प्रकाश का वेग बराबर क्या होगा, गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये होगा दोस्तों आपका ME ऊपर कॉमा बराबर ME अपॉन अंडर रूट 1 इक्वल्स टू V अपॉन C का स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर, यानी कि इस सूत्र से द्वारा जो हम इसे, ये माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस है V अपॉन C का स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होता है दोस्तों प्रकाश के वेग से गति, इसे भी आप अच्छे से नोट करना है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि लिथियम 2+ आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन विभव ऊर्जा का मान है, तो क्या है इसका जो राइट आंसर आपका, वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि MO परमाणु तथा AG परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 45(5s1) तथा 40(10)(5s1) है, इसका कारण यह है कि अर्धपूर्ण तथा पूर्ण भरी हुई कक्षाएं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिक विनिमय के कारण स्थायी होती है। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न अभिक्रिया न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है, कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है। 4Be बेरिलियम 9 प्लस 2 हीलियम 4 क्या बनता है, 6 कार्बन 12 प्लस 0N1, ये क्या है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन, ये है आपका न्यूट्रॉन, और ये क्या है, अल्फा कण, ये है आपका अल्फा कण, और ये जो है 0N, ये क्या है आपका न्यूट्रॉन। तो ये जो है दोस्तों किससे संबंधित है, निम्न अभिक्रिया जो है न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है कि EPN तथा अल्फा कणों के लिए E/m के मान का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार होगा, तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 12 है, सबसे बड़ी ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सबसे बड़ी ऊर्जा वाला है, तो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको इस बार देखना है। यह प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन XY तल में पाए जाने की संभावना शून्य होगी, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन के XY तल में पाए जाने की संभावना शून्य होगी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका 13 का, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका PZ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में NP6 के बाद निम्न कक्षक भरा जाता है, तो क्या भरा जाता है NP6 के बाद,
कौन सा कक्षक भरा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन प्लस वन एस। एस कक्षक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एस ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये भी महत्वपूर्ण है। एस ब्लॉक, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। ये होता है दोस्तों NP6 N+1 S1 से 2। ये जो है इसका क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। 15 है कि किसी परमाणु के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निम्न संक्रमण मान्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3D से 4P। यह जो है संक्रमण दोस्तों आपका मान्य नहीं है, परमाणु के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में यह मान्य नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन अनंतता से स्थिर अवस्था में गिरता है तब निकलने वाले विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा। तो क्या होगा 16 का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 9.16 नैनोमीटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें तो यह समीकरण कौन सी है? 1α RH बड़ा कोष्टक 1 N1² - 1 N2² ये है दोस्तों आपकी रीडरबर्ग समीकरण। इस समीकरण को आप अच्छे से नोट करना है। जब आप इसमें इसका मान रखोगे कितना दिया है, रीडरबर्ग स्थिरांक कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पर जो RH है आपका वो क्या है? ये है दोस्तों आपका रीडरबर्ग स्थिरांक। तो 1.097 यहाँ पर दिया है। जब आप इसमें जो है मान रखोगे तब क्या आएगा? 1.097 किस प्रकार रखना है? फिर यहाँ पर 1 upon 1² - 1 upon N2 का मान क्या है? इन्फिनिटी। N=1 है तो N2 = क्या होगा? अनंत मीटर माइनस वन। जब इसमें मान रखोगे तब इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 91 नैनोमीटर जो है इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है कि कक्षक चित्र जिनमें अपवाह का नियम भंग होता है, नंबर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके लिए अपवाह का नियम लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है 2s उपकोष को जो है पूर्णतः भरे बिना जो है 2p कक्षा में इलेक्ट्रॉन का भरना संभव नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले में 2s कक्षक जो है पूरा भरा हुआ है, थर्ड वाले में 2s कक्षक पूरा, ये वाला 2s कक्षक भरा हुआ है, डी में भी 2s कक्षक भरा हुआ है, लेकिन बी में दोस्तों जो है 2s कक्षक नहीं भरा हुआ है। और अपवाह नियम क्या कहता है कि 2s कक्षक जब तक नहीं भरा तब तक इलेक्ट्रॉन जो है 2p कक्षक में नहीं जा सकते, यानी कि 2s का भरना आवश्यक है, जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि किन्हीं भी दो तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम एक जैसे नहीं होते। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनके भारतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भिन्न ऊर्जा स्तर में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब प्रश्न नंबर 19 है कि क्लोरीन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का उचित समूह है, तो कौन सा समूह है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? N=3 L=1 M=1 N=3 L=1 M=1 किस प्रकार से? अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2p6 1s2 2s2 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4
6, 4, 10 और 2, 12 और 5, 17। 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब 3p5 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 3p5 पी भरना है दोस्तों आपको। पी आपको पता है पी पी कितने होते हैं इसमें जो है कितने रहते हैं? तीन उपकोष रहते हैं। तो प्रत्येक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर हमके जो है जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमें जो है इसमें भरनी है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है? पी कक्षक में है, तो हमें पी कोष में भरने हैं। तो 1, 2, 3 कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे, तो यहाँ पर कितना बचा? 1। तो यहाँ पर 3p5 के लिए जो है दोस्तों -1, यहाँ पर 0, -1 कितने हैं? 3 है, तो 1, 0, -1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या है? n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 1। इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह भरा जाता है। प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न नंबर 20 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कि किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। यह जो है इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या पर जो है निर्भर नहीं करती है। बाकी यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 है कि किसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, किसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग एस बराबर रूट एस ब्रैकेट में एस प्लस वन एच अपॉन 2π। कोणीय संवेग का चक्रण इलेक्ट्रॉन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है 100%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि 3p कक्षक में नोडों की संख्या है, तो 3p कक्षक में कितने नोड है? तो इसमें है दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने हैं? 1। अगर हम नोडों की संख्या की बात करें तो नोडों की संख्या बराबर क्या होती है? n - l - 1। तो 3p कक्षक की बात करें तो कितना है? 3 - 1, l का मान -1, p के लिए l का मान -1 होता है। और यह जो है इसका जो सूत्र रहता है दोस्तों n - l - 1 रहता है, और यहाँ पर 3p कक्षक के लिए दिया है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, n की जगह n का मान 3 है। p कक्षक के लिए l बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो l का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 यहाँ पर आपके सूत्र में दिया है, तो कितना होगा? 3 - 1 - 1 = 1, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो बताना है कौन सा कथन जो इसमें से असत्य है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की पाश्चन श्रेणी विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। यह किस में प्राप्त होती है? होती है अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड भाग में प्राप्त होती है। हाइड्रोजन परमाणु की पाचन श्रेणी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी दोस्तों यह जो है सारे सत्य हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका गलत था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, किसी कक्षक के संबंध में सही तथ्य है, सारे तथ्य जो है सही है। प्रश्न नंबर 25 है कि क्रोमियम जेड बराबर 24 के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं हैं। ये क्रोमियम है दोस्तों, परमाणु क्रमांक इसका 24 होता है। जेड बराबर क्या होता है? जेड का अर्थ होता है परमाणु क्रमांक, कितना होता है इसका? 24 होता है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, 24 और 29 किसका? कॉपर का। ये दोनों जो है इससे जो है एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं हैं 25। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम 24, इसे आप याद रखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जो है 25 क्वेश्चन ही
सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो है 25 और प्रश्न अच्छे से जो है इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की त्रुटि आपको अगर नज़र आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।